नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे केस के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसने हमारे समाज और हमारी सरकार को एक आईना दिखा दिया है। महिलाओं की के सम्मान और सुरक्षा की बातें केवल नारों तक सिमट कर रह गई हैं। कैसे कानून और प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और कैसे इतना बवाल होने के बाद जब कोई मामला मीडिया में उछलता है या फिर पूरे व्यापक स्तर पर सब जगह उसकी बात चर्चा होनी शुरू हो जाती है तब जाकर उसमें कहीं कंप्लेंट लॉज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। क्या इस तरह से हमारे देश का शासन चलेगा? क्या इस तरह से हमारा प्रशासन काम करेगा? तो इस केस के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, आखिर क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बनकर देश के सामने उभरा है। तो आखिर ये केस क्या है? केस ये है कि एक 18 साल की महिला ने, जो कि उन्नाव से है उत्तर प्रदेश में, उसने अपने वहाँ के लोकल MLA पे आरोप लगाए हैं कि MLA, उसके भाई और उनके अन्य साथियों ने जून 2017 में लड़की को अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया, गैंग रेप किया गया। और लगातार कोशिशों के बावजूद MLA और उनके भाई के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई। आखिरकार 8 अप्रैल 2018 को जो पीड़ित महिला है उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करी, खुद पे केरोसिन छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करी। इसके बाद ये मामला अचानक से मीडिया में उछला और उसके अगले ही दिन जो पीड़िता है उसके पिता की जेल में मौत हो गई, यानी जेल में उनके साथ मारपीट करी गई और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई 9 अप्रैल को। तो आखिर इस मामले से हमारे सामने कई तरह के सवाल आते हैं। अब्यूज़ ऑफ पावर, कि आखिर जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत रूप से कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अथॉरिटी, जो शासन जिसका काम है इस तरह की घटनाओं को रोकना या फिर उनकी निष्पक्ष जांच करना, वो क्यों फेल हो रहा है? ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो कानूनन कार्रवाई है वो नहीं करी जा रही है। और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या राजनीतिक दलों की या हमारे नेताओं की कहीं ना कहीं इस पर नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? इस पूरे मामले में जो मेन अक्यूज्ड हैं वो है कुलदीप सिंह सेंगर नाम का ये व्यक्ति है, जो कि भाजपा से इस वक्त MLA है। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र है उन्नाव जिले में। उन्नाव आता है लखनऊ और कानपुर के बीच में और उसमें ये बांगरमऊ नाम की जगह है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये MLA हैं और जो गांव है इनका वो यहाँ पर उन्नाव के पास में ही माखी नाम का गांव है लगभग इस जगह के आसपास। तो इस माखी गांव के ही ये विधायक हैं, विधायक का गांव माखी है और जो पीड़िता है वो इनके जो परिवार है वो इनका पड़ोसी परिवार ही है। तो ये जो विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, इन पे ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने पिछले कई महीनों से इस FIR को लॉज नहीं होने दिया, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, लोकल पुलिस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बाहुबली इमेज का इस्तेमाल करते हुए इस FIR को लॉज नहीं होने दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया और अपना नाम तक हटवा दिया FIR से जब एक बार लॉज हुआ। मामला है जून 2017 का, जब इस महिला ने, जो कि उस वक्त 17 साल की थी, नाबालिग थी, तो इस नाबालिग लड़की को अगवा करके उसका बलात्कार किया गया, ये आरोप लगाया है लड़की ने और उसके परिवार वालों ने, जो लोकल भाजपा MLA है कुलदीप सेंगर, उनके भाई और अन्य साथियों पर। अप्रैल 2018 के बीच में लड़की के परिवार ने कई बार पुलिस से गुजारिश करी कि FIR दर्ज करी जाए, लेकिन FIR दर्ज नहीं करी गई। फरवरी में जाकर FIR दर्ज हुई भी, लेकिन उसमें भी MLA का नाम हटा दिया गया, जबकि परिवार वालों ने कहा था कि MLA उसमें शामिल था इस गैंगरेप में। उसके बावजूद MLA का नाम इसमें FIR में नहीं जोड़ा गया। 3 अप्रैल 2018 को जो लड़की का पिता है, पीड़िता का पिता है, उसके और MLA के परिवार के बीच में एक झड़प होती है, कहासुनी होती है, मारपीट होती है। ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कराई गई, पीड़ित परिवार की तरफ से भी और MLA के परिवार की तरफ से भी, लेकिन पुलिस ने केवल MLA की तरफ से करवाई गई कंप्लेन पर कार्रवाई करी और लड़की के पिता को ही अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया। और अगले 5-6 दिनों तक वो व्यक्ति जेल में रहता है और उसकी काफ़ी पिटाई की गई। इस बीच में यह आरोप लगा कि जो विधायक का छोटा भाई है उसने जेल में जाकर इस लड़की के पिता के साथ मारपीट करी और काफ़ी इन्हें टॉर्चर किया गया। 8 अप्रैल को पीड़िता ने योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करी। आप सोचिए कोई व्यक्ति कितना पीड़ित होता होगा, क्या उसकी मानसिक स्थिति होगी जब वो अपने आप को आग लगाकर मारने की कोशिश करेगा। हालांकि इन्हें आत्मदाह करने से रोक लिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने, पुलिस ने, लेकिन फिर भी ये पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना थी। और इसके बाद ये केस अचानक से सुर्खियों में आया। 8 अप्रैल को होने वाली इस घटना के बाद देखिए 9 अप्रैल को, यानी अगले ही दिन सुबह, लड़की के पिता की मौत हो जाती है। यानी जेल से उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है और हॉस्पिटल में जब वो आते हैं तो उनके साथ इस तरह के उनके शरीर पर घाव हैं,
तो जब पोस्टमार्टम होता है 10 अप्रैल को, तो पता चलता है कि इनके साथ काफ़ी मारपीट करी गई और ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि शॉक और सेप्टिसीमिया से डेथ हुई। और इस बीच ये भी आरोप है कि जो 6 दिन 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में लगातार जेल का जो डॉक्टर है वो कह रहा था कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, लेकिन जेल प्रशासन इन्हें अस्पताल नहीं भेज रहा था और इन्हें पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट ढंग से नहीं दिया गया। तो लगातार 5 से 6 दिन तक इनके साथ ये टॉर्चर हुआ और आखिरकार 9 अप्रैल को इनकी डेथ हो जाती है लड़की के पिता की। तो इतना हंगामा जब हुआ, न्यूज़ में ये मुद्दा उठा, पूरे देश में इसकी खबर फैली, तब जाकर फाइनली सरकार ने 10 अप्रैल को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि जो लोकल पुलिस है वो पूरी तरह से एमएलए के इन्फ्लुएंस में है और उनके अनुसार ही कार्रवाई करेगी, तो हमें लोकल पुलिस में भरोसा नहीं है। तो इसीलिए एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और इस टीम ने 10 अप्रैल को अपनी खोजबीन शुरू करी है। लेकिन अगले ही दिन अप्रैल 11 को मामला जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस केस को CBI को ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है और CBI ने 12 अप्रैल को अपनी छानबीन शुरू कर दी है और कुलदीप सिंह सेंगर पे चार्ज जो FIR है वो दर्ज हुई है और इसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम शामिल किया गया है। और 13 अप्रैल को, यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 अप्रैल की शाम को, तो ये न्यूज़ है कि सुबह सुबह आज 5 बजे कुलदीप सिंह सेंगर को उनके घर से CBI पूछताछ के लिए उठा ले गई। हालांकि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उन्हें डिटेन किया गया है, केवल पूछताछ के लिए रखा गया है, उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। लेकिन शाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है 13 अप्रैल की शाम को ही कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक अरेस्ट नहीं हुआ है, और अगर अरेस्ट होता है तो आप न्यूज़ में देख ही सकते हैं। लेकिन जो CBI ने अपने मामले दर्ज किए हैं उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम दर्ज हुआ है और IPC के अलावा उन पे पॉक्सो एक्ट भी लगा है। ये बहुत ही खास बात है क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो पॉक्सो है, इसमें 2012 में बदलाव लाया गया था, इसे काफ़ी सशक्त बनाया गया और इस एक्ट के तहत अगर किसी पे केस दर्ज होता है तो उसका तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। तो अगर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो कुलदीप सिंह सेंगर को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आखिर इस पूरे मामले में प्रशासन, पुलिस और सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं या क्या सवाल उठकर आते हैं हमारे लिए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई रेप का केस है तो उसमें FIR दर्ज क्यों नहीं करी गई, चाहे वो झूठा ही मामला क्यों ना हो, जांच में सामने आ जाता। देखिए, ये बात भी सच है, इस देश में कई झूठे रेप केसेस दायर किए जाते हैं अलग अलग कारणों से, लेकिन ये कहना पूरी तरह से गलत है कि सारे रेप के मामले झूठे होते हैं। फरवरी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है और 6 महीने से भी ज़्यादा, 7-8 महीने से भी ज़्यादा समय तक इतना विलंब क्यों किया गया? सीधा सा कारण है कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो MLA के दबाव में थी और इस दबाव के कारण उन्होंने FIR दर्ज नहीं करी। दूसरा है कि जब लड़की के पिता को अरेस्ट किया गया 3 अप्रैल को, तो उसके बाद जेल प्रशासन ने MLA के जो साथी हैं, MLA के भाई हैं, उनको जेल में आने दिया गया और यह आरोप लग रहा है कि जेल में आकर उसके पिता के साथ पिटाई करी गई MLA के भाई द्वारा। और उसके अलावा एक और सनसनीखेज वीडियो बाहर आया है जिसमें ये दिखता है कि एक बेहोशी की सी हालत में लड़की के पिता से कुछ पेपर्स पे अंगूठा लगवाया जा रहा है, यानी गलत स्टेटमेंट लिया जा रहा है, और ये सब वीडियो में रिकॉर्डेड है, ये बातें बाहर आ चुकी है। तीसरा आरोप जिला प्रशासन पे है, पुलिस ने तो कंप्लेन दर्ज नहीं करी, लेकिन जब लोकल SDM या फिर DM कलेक्टर के पास परिवार गया, पीड़िता गई, तब भी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी थी, यानी सेकंड लेवल पे भी सरकार का, प्रशासन का फेलियर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कई बार कंप्लेंट गई लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनफैक्ट लड़की ने खुद CM योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी कई महीनों पहले, और उस MLA का क्षेत्र में इतना भय है कि लड़की को गाँव छोड़कर दिल्ली में जाकर अपने चाचा के पास रहना पड़ा था। और आखिर में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी, बलात्कार, किडनैपिंग, इन सभी के आरोप लगने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, भाजपा ने या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था को बिल्कुल सुदृढ़ बनाएंगे, उसे बिल्कुल मजबूत बनाएंगे, इन्होंने एक बार भी MLA को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने MLA को अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं किया, टेम्परेरीली सस्पेंड भी नहीं किया, यानी कोई भी नेता खुलकर ये भी नहीं बोलने को तैयार हुआ कि हाँ हम इस पे कार्रवाई करेंगे। जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 13 अप्रैल को लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं नेताओं के, 8-9-10 अप्रैल तक भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया था किसी की तरफ से, तो क्या ये भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी या अन्य सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि विक्टिम के लिए, पीड़िता के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे, न्याय की गुहार लगाए और
एमएलए के खिलाफ एमएलए को कहें कि कम से कम इस्तीफा दीजिए। और एक बात और बता दूं कि ये जो एमएलए है कुलदीप सिंह सेंगर, ये भाजपा में तो केवल 2017 में आया था, उसके पहले ये बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों में रह चुका है। तो जब अगर विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा के लोग ऐसे हैं, तो ये भी एक तरह से गलत है, क्योंकि वही व्यक्ति पहले आपकी पार्टी में भी रह चुका है, बसपा और सपा दोनों से एमएलए रहा हुआ है ये व्यक्ति, और ये अब भाजपा में आया है, ठीक है, तीन बार पार्टी बदल चुका है। तो इसलिए ये भी कहना पूरी तरह से गलत है कि केवल ये भाजपा की परेशानी है, ये हमारे सभी राजनीतिक दलों की एक परेशानी है, या सभी की एक कॉमन प्रॉब्लम कह सकते हैं। फिर हमारे समाज के सामने कुछ मुद्दे उठकर आते हैं कि आखिर हम किसी भी प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति के पीछे एक अंधविश्वास क्यों करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट हमारा क्यों रहता है, हम क्यों सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति सत्ता में है, पावर में है, वो अपने सत्ता को अपने लिए ही इस्तेमाल करेगा, अब्यूज ऑफ पावर करेगा, सत्ता का गलत इस्तेमाल करेगा, और इसमें हम हामी देते हैं। देखिए, आपके भी जब कोई रिश्तेदार या आपके जान पहचान वाला पावर में होता है, तो आप भी चाहते हैं कि आपका काम जल्दी से हो जाए, इलीगल तरीके से हो जाए, या फिर जो ड्यू प्रोसेस है उससे जल्दी जाकर हो जाए, तो आप भी सिफारिश करते हैं। तो हम सब यही चाहते हैं, हमारे समाज में एक धारणा बन चुकी है कि अगर सत्ताधारी आपका कोई जान पहचान का है, रिश्तेदार है, आप किसी नेता के नज़दीक हैं, तो आप तो अपना काम निकलवा लेंगे। क्या ये सोच सही है? क्या ये हमारे पूरे समाज की एक गलत सोच नहीं है? इससे होता क्या है, इस तरह के केस आते हैं, व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है और वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है, जैसा इस एमएलए ने किया, पुलिस को, पूरे प्रशासन को अपने दबाव में रखकर। और इनका जो गांव है माखी गांव, जहां पर पीड़िता और एमएलए का घर बिल्कुल पड़ोस में है, दोनों पड़ोसी हैं, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर अभी भी जो गांव वाले हैं वो एमएलए का सपोर्ट कर रहे हैं। 11 अप्रैल को जब एसआईटी की टीम वहां पर जांच करने पहुंची, तो गांव वाले इकट्ठा हो गए, एसआईटी की टीम को काम नहीं करने दिया, उन्होंने कहा कि एमएलए साहब ऐसा कर ही नहीं सकते, यानी अभी भी पूरा गांव एमएलए को सपोर्ट कर रहा है, चाहे कितना भी आरोप, संगीन आरोप लग चुके हों। और यहाँ तक भी है कि गांव में जो पीड़ित परिवार है उसे गांव छोड़ना पड़ा है, वो वहाँ पे नहीं रह पा रहा है क्योंकि उन्हें अपनी जान को खतरा है, उन्होंने कहा कि हमें जान से मार दिया जाएगा अगर हम गांव में जाते हैं। फिर समाज के सामने ये सवाल आता है जो हर रेप केस के बाद, हर बलात्कार केस के बाद देखा जाता है, कि जो विक्टिम है, पीड़ित पीड़िता है, उसी के चरित्र पे सवाल उठाए जाने लगते हैं। ये कहा जाता है कि वो अच्छे चाल चलन की लड़की नहीं थी, उसका उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी सेम सवाल आ रहे हैं, पीड़िता के चरित्र पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसी का चरित्र ठीक नहीं रहा होगा। तो ये पूरी तरह से गलत है, विक्टिम शेमिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होना चाहिए। कई सारी गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं पुराने केसेस में, लेकिन फिर भी ये जारी है। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे मामला उठकर आया है, वो है परिवार के बैकग्राउंड का। जो पीड़िता है उसके और उसके परिवार में उसके पिता और उसके चाचा पर कई तरह के पुराने केसेस हैं, और साथ ही साथ जो एमएलए हैं उन पर भी पुराने केस हैं, उनके भाइयों पर भी केस हैं, और इन दो परिवारों की पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। तो चाहे रंजिश हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मामला है कि ये जो केस हुआ है, रेप का केस हुआ है, इसमें न्याय क्यों नहीं हुआ। ठीक है, पुराने केस होंगे, आपसी रंजिश हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मामला पूरी तरह से सही है, ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने साल भर में अगर आगे इसकी और जांच होती है तो ये पता चले कि शायद मामला झूठा भी निकले। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार लगा के यहां पर कह रहा हूं, ठीक है, शायद सोचिए ऐसा अगर हाइपोथेटिकली होता है तो कोई बात नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर वापस से भाजपा में शामिल हो सकते हैं, वो एमएलए रहेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आज क्या ये प्रशासन का, क्या ये हमारे समाज का दायित्व नहीं बनता था कि विक्टिम का सपोर्ट किया जाए? सपोर्ट हमें विक्टिम का करना चाहिए, ना कि जो एग्रेसर है, ना कि जिसने क्राइम किया है, उस व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है। न्याय मीडिया नहीं करेगा, न्याय पुलिस नहीं करेगी, या न्याय आप और मैं हमारे घरों में बैठे सोफे पर बैठे नहीं करेंगे। न्याय तो जो न्यायपालिका है वो करेगी, लेकिन पुलिस का जो अपना काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो ठीक से होना चाहिए, वो उसने ठीक से नहीं किया। मीडिया में केस आया है लेकिन काफ़ी देर से आया है, चलो, लेकिन यहाँ पे मीडिया का रुख सकारात्मक रहा कि फाइनली मीडिया ने इस केस को इतना ज़्यादा इतना फैला दिया है कि अब इसे दबाया नहीं जा सकता इस मामले को। लेकिन फाइनल जाँच होगी और जब न्याय आएगा तब उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर गुनहगार है या नहीं है। लेकिन तब तक जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्यू प्रोसेस से काम नहीं हुआ तो आप समझिए कि समाज का, पूरे देश का कानून से और संविधान से और हमारी न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप ये सोचिए कि अगर इस एक केस में, ये नहीं है कि ये एक इकलौता केस है जिसमें इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे हजारों केस होंगे जहां पे मामले को दबाया गया है, लेकिन अगर इस एक केस में भी न्याय होता है और सही समय पर होता है तो देश के हर आम नागरिक के मन में इस देश के न्याय और प्रशासन के लिए भरोसा फिर से जाग उठेगा। इसी के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।